बिहार में डकैती की योजना बना रहा गिरोह गिरफ्तार, खनिज फैक्ट्री के पास से दबोचा बदमाशों को, गिरोह के पास से बरामद हुआ भारी हथियार। रिको फैक्ट्री के पास कल पुलिस अधिकारी गिरदलाल गश्त पर थे, तभी उन्हें पुकबीर के द्वारा गिरोह की सूचना मिली जो कि बिहार में डकैती की योजना बना रहा था। इस सूचना का पता लगाकर पुलिस ने जाब्ते के साथ खनिज फैक्ट्री के पास दाबिश दी और बदमाशों को दबोच के उनके पास से हथियार बरामद किए, जिसमें दो देसी कट्टे, एक राइफल, एक नकाब, सोने की चैन, चाकू जैसे कई हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में जानकारी मिली कि इस गिरोह ने राजस्थान के कई जिलों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश सवाईमाधोपुर के रहने वाले, इनके पास से एक लग्जरी कार और एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई है। इस गिरोह से पूछताछ जारी और हो सकता है कई और वारदातें भी इनके द्वारा खुल सके। कल दिनांक 2-3 की मध्य रात्रि को अपने ब्यावर सर्किल में आरपीएस प्रोबेशनर श्री गिरधर सिंह जी हैं, वो गश्त में थे। उनको सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि ब्यावर के रिको एरिया में 5-7 बदमाश हैं जो डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना को संकलित कर डिप्टी साहब ने थाना सिटी के सीआई साहब रामेंद्र सिंह जी और जाप्ते को लेके दबिश्ती रिको एरिया में बाबेल खनिज फैक्ट्री के पास में और बदमाशों को दबोच के उनके कब्जे से हथियार बरामद किए। दो देसी कट्टे हैं, राउंड हैं, नकब हैं, चैन हैं, छुरे हैं और उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि 7 बदमाशों के राजस्थान के विभिन्न शहरों में लूट, चोरी, नकबजनी के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और बदमाश बावरी जाति के सवाईमाधोपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक लग्जरी कार और एक इनफील्ड मोटरसाइकिल भी बरामद की है। लग्जरी कार में अलग अलग शहरों में जाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। इन बदमाशों से और बहुत सारी वारदातें खुलने की पूर्ण संभावना है।